सर, वेलकम टू आवर क्लास। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं या बुरे हैं या बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं? अगर बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं तो कॉल कर लीजिए, उसका इलाज है। अगर सिर्फ बुरे हैं, मैं भी वैसे ही हूँ, अपने लोग सेम ट्रैक में, सभी लोग वैसे ही हाल है, तो कुछ कर नहीं सकते सर। देखिए अभी लॉकडाउन के बारे में क्या होगा, लॉकडाउन 5.0 आएगा, एक्सटेंड होगा या और अनाउंसमेंट होगी, देखते हैं सर। वेट करते हैं 1 जून का, उसके बाद हमारा पढ़ाई का सीरीज कैसी होगी नहीं होगी वो डिस्कशन होगी। अच्छा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी यहाँ पर गेम खेल रहा है, बहुत सॉलिड गेम है ना, वेट का पेशेंस के साथ अपना खिलवाड़ कर रहा है सर। वो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा भाई साहब, कब होगा नहीं होगा वो भी बता दो, समझ रहे हैं? कुछ नहीं बताएगा, वो जस्ट वेट करके बैठे हुए हैं। तो सर, जो होना है वो तो होगा, ना आप बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं। माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है सर, जो हम लोग कर सकते हैं वही करते हैं, हम आपको पढ़ा सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। सर, स्टार्ट करते हैं हमारा एक न्यू चैप्टर, डेट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बीकॉम 6th सेमेस्टर में सर 15 मार्क्स का आता है, रिमेंबर दैट, 15 मार्क्स, ठीक है। तो फंड फ्लो का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी उसका सॉल्यूशंस वगैरह था, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी, आई गेस वो आप लोग सब बनाए हैं, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी था वो लिंक पे, आपने लिंक से डाउनलोड करके आई गेस वो सॉल्यूशंस को आपने चेक कर लिया, ठीक है। तो आई गेस वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हो ना। उसी की तरह एक सिमिलर चैप्टर है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दोनों एग्जाम में आपका ऑल्टरनेटिव में आता है, 15 मार्क्स का फंड फ्लो और 15 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये अपने लोग स्टार्ट करेंगे सर, चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, पहले इसको समझ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली फ्लो ऑफ कैश, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो ऑफ कैश दिखाता है कि आपका कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है उसका मतलब होता है सर इनफ्लो, और कहाँ पे जा रहा है उसका मतलब हो जाता है आउटफ्लो, ठीक है। तो सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो का एक खेला है, कहाँ से पैसा आ रहा है, सोर्स क्या है आपका, और कहाँ पर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, ये स्टेटमेंट बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको वो डेफिनेशन याद होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, और ये हम लोग करते हैं सर। तो इनफ्लो और आउटफ्लो समझना है सर। इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, इनफ्लो का मतलब हो गया जितना भी रिसिप्ट है, जितना भी रिसिप्ट है, और आउटफ्लो का मतलब हो गया जितना भी पेमेंट है, हाँ जितना भी पेमेंट है, मतलब जहां से पैसा आया वो इनफ्लो प्लस, जहां पे अपने पैसा पेमेंट किया डेट इज योर आउटफ्लो माइनस, ये आपको समझना है, ठीक है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाएंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं है सर, ये इक्वेशन है, इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन क्या है, ओपनिंग कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट का मैं आपको मतलब बताऊंगा, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ओपनिंग कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट प्लस कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो भी हो सकता है या तो फिर आउटफ्लो भी हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर, इक्वल टू क्या आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए आपका क्लोजिंग में जितना पैसा बचा, डेट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नहीं समझ में आया क्या है ये, सिंपल सवाल है। ओपनिंग में सपोज मान लीजिए आपके जेब में 1000 रुपए थे, ठीक है, पापा के तरफ से, अंकल के तरफ से ईदी आप लोगों को मिला होगा, ओपनिंग में कुछ रुपया आपके पास है, सपोज 500 रुपया। अभी ईद में आपको ईदी मिली है सर, पापा से मिला, इधर उधर से मिला, कहीं मांग चांग के गए, जिसके पास नहीं जाते तो उसका घर में गए, राइट, जहाँ तहाँ से आपने टोटल कैश कलेक्शन कर लिया 5000 रुपया, राइट। तो ओपनिंग में 500 था, 5000 रुपया आपने कलेक्शन किया, उसमें से आपने एक्सपेंस किए 2500 रुपया,
5,000 से 2,500 लेस कर दो भाई साहब, तो बचा कितना कैश इनफ्लो? ओपनिंग में आपके पास था 500, आपने कैश कितना कमाया? 5,000 रुपया आपके पास इनफ्लो आया था, लेकिन आपने इसमें से कुछ खर्च कर दिए 2,500, तो आपके पास कितना हो गया बचा? 2,500 बचा। ओपनिंग में 500 प्लस 2,500 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 3,000 रुपया। यही तो है ना नॉर्मल, समझ गया? यही खेला आपको पूरा एक साल का दिखाना है। तो ओपनिंग में सपोज अभी अपना ईयर चल रहा है 2020, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 2019 को 500 था। अब ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना रिसीप और पेमेंट माइनस करके जितना बचा आपके पास, वो 2,500 रुपया पूरा साल भर का है। इसको जोड़ देंगे ओपनिंग के साथ, तो आपका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर ये मैच कर जाता है तो इसका मतलब आपने जो बनाया वो एकदम परफेक्ट बनाया, एकदम सही बनाया, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये मैच कराना है आपको, ठीक है? अभी कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर क्या है सर? कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ये आप डालोगे ऑन 3 एक्टिविटीज से। एक हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक हो जाएगा सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो आउटफ्लो अपने लोग निकालते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दूसरा हो जाएगा सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड में हो जाएगा सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज है। ये 3 एक्टिविटीज से आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो आता है। ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है इसको समझते हैं, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो बिजनेस का ऑपरेशन, जो बिजनेस आप कर रहे हैं मेन, उसको ऑपरेट करके जो आप पैसा कमाते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करके जो पैसा कमाते हैं। बिजनेस को ऑपरेट करके पैसा क्या कमाते हैं सर? जो आपका सेल्स आया, लेस आप कर दोगे जितना भी परचेस का आपने पेमेंट किया, जितना भी आपका एक्सपेंसेस वगैरह है, ये इससे इसे लेस करके ये जो आती है ना, यही आपका बिजनेस का पैसा है। कितना पैसा आपने अर्न किया कैश के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये एक्टिविटीज का पार्ट हो गया। इन्वेस्टिंग का मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया, बिजनेस के थ्रू नहीं सर। देयर इज अ वर्ड, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का मतलब अलग होता है। ऑपरेटिंग का मतलब जहां आपका मेन इनकम है, जहां आपका मेन बिजनेस है, उससे जो आप पैसा कमाते हैं। अब उससे मैं 1,000 रुपया कमाया, मेरे को दिख रहा है कि 600 रुपया का मुझे जरूरत पड़ेगा बिजनेस पे, वो मैंने रख दिया, बाकी 400 रुपये मेरा आइडियल मनी बचा है ना। तो वो आइडियल मनी को अगर मैं बिजनेस में रखूंगा कैश में तो पड़ा रहेगा, बैंक में रखूंगा बैंक में भी पड़ा रहेगा, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, राइट? तो इट इज बेटर, जो स्मार्ट पर्सन रहते क्या करते हैं, वो आइडियल मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं कोई दूसरी कंपनी का, इक्विटी शेयर्स में, या इधर डिबेंचर में, या इधर एफडी में, या म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देने से उनका पैसा बढ़ता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट, याद है कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से लग के वो पैसा बढ़ता है। तो अगर उस सोर्स से अगर आपका कुछ पैसा आ रहा है, वहां से अगर कुछ पैसा आ रहा है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। ये पर्टिकुलरली फिक्स एसेट्स, तो जो भी फिक्स एसेट से खेला होगा, परचेज सेल इनफ्लो आउटफ्लो होगी, वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाओगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो आपने कमाया नहीं है, कमाया नहीं है, उधारी लिया है, उधार पे लिया है, आपका सोर्स सोर्स ऑफ फंड कहाँ कहाँ से आता है? ये आता है सर इक्विटी शेयर्स कैपिटल आप इशू किए हैं, प्रिफरेंस शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर आपने लिया, ठीक है, लोन लिया, लोन लोन वगैरह, तो ये फाइनेंस का पार्ट है। तो अगर ये इनसे अगर आपका कुछ इनफ्लो आउटफ्लो आ रहा है, अगर इसका आपको पेमेंट वगैरह कुछ भी करना है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम रिसाइज करते हैं, तो ये मेरा बैलेंस शीट है, याद रखिएगा ये मेरा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या रहता है सर? इक्विटी शेयर्स रहता है, प्रीफरेंस शेयर्स रहता है, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है ना, नॉन करेंट लाइबिलिटी रहता है, करेंट लाइबिलिटी रहती है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स रहता है सर, करेंट एसेट्स रहता है, और दूसरा वो टिनरी एक्सपेंसेस वगैरह रहता है, राइट? तो करेंट एसेट्स करेंट लाइबिलिटी, इसका जिस तरह से अपने लोग फंड फ्लो में करते थे ना इंक्रीज डिक्रीज, यहां पर भी अपने लोग करेंगे इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है? और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया। किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिकॉज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज में जो रोल होता है वो वर्किंग कैपिटल का रोल होता है।
है, वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ लिखा है। फिक्स एसेट से जो भी इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा उसको कहाँ पर दिखाओगे बताओ, इसको आप इन्वेस्टिंग में दिखाओगे, क्लियर है। इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, वर्किंग कैपिटल, ये किसका पार्ट होगा, ये होगा फाइनेंसिंग का, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है सर। एडजस्टमेंट से जो भी रहेगी, रिजर्व एंड सरप्लस तो आपका पीएल का पार्ट है, ये अपने लोग सीखेंगे। तो सर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, वर्किंग जैसे आप वर्किंग एडजस्टमेंट की बात बता रहा हूँ, बैलेंस शीट का पार्ट कंप्लीट हो गया, ये अपने लोग पूरा फॉर्मेट वगैरह सीखेंगे, डोंट वरी। लेकिन जो वर्किंग वाली जो पार्ट है वर्किंग, बिकॉज अगर आप सम देखोगे ना तो फंड फ्लो और कैश फ्लो का सम पूरा सेम रहता है, मतलब एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत चेंज रहेगी। फंड फ्लो का एडजस्टमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, कैश फ्लो का एडजस्टमेंट थोड़ी सी इजी रहती है, ठीक है। लेकिन आपको वर्किंग एज इट इज बनाना है, एज इट इज वर्किंग, जैसा आपने पहले बनाया था अभी भी वर्किंग एज इट इज बनाइएगा, देर विल बी नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हर एडजस्टमेंट का दो बार एंट्री होता है, यहाँ पर भी दो बार एंट्री होगा। तो एक बार जो वर्किंग में एडजस्टमेंट जहां जाती थी वो एज इट इज जाएगी, लेकिन बैलेंस सोर्स और वो पहले अप्लीकेशन होता था सर, सोर्स और अप्लीकेशन वगैरह पे होती थी। यहाँ पर इनफ्लो आउटफ्लो में आपको करके दिखाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करके दिखानी है कि कितना आता है, ठीक है, कितना रुपया कहाँ कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग कहाँ जाएगा, वो अपने को समझना है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, फिक्स एसेट से जो भी सर इन्वेस्टमेंट आती है, सर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मेरा किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का परचेज सेल्स अगर इन्वेस्टमेंट आप प्लस करो, इन्वेस्टमेंट माइनस करो, ये दोनों कहाँ जाएगा, ये दोनों मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलता है आपको, इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है, तो अगर इन्वेस्टमेंट परचेज या सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जा रहा है, तो उससे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव भी जो हो रहा है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग में आते हैं सर, इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ये किसका पार्ट है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर्स आप इशू करते हो, इक्विटी शेयर्स प्रिफरेंस शेयर्स इशू करते हैं आप, डिबेंचर इशू करते हैं आप, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड आप पेमेंट करोगे ना, इंटरेस्ट या डिविडेंड पेमेंट। तो इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी आप पेमेंट करोगे, डिविडेंड दैट इज प्रपोज डिविडेंड, जो आप डिविडेंड देते हो, तो दो तरह का डिविडेंड होता है, एक लेते हैं और एक देते हैं। तो देने वाला जो हमारा है वो इक्विटी शेयर्स या प्रिफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो सिंस इक्विटी प्रिफरेंस डिबेंचर किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, तो इंटरेस्ट डिबेंचर जो पेमेंट है वो भी किसका जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर बहुत लोचा हो रहा है सर, सर दर्द दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, किसका किसका पार्ट है, नहीं पार्ट है सर, समझिए आराम से। बैलेंस शीट है आपका, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स, ये किसका पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग का जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज अपने लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो फाइनेंसिंग में क्या बचा, इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, ये सब है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये अगर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग का पार्ट किया, तो इसका लड़का, जी हाँ, इन्फेस डिविडेंड जिससे रिलेटेड है उस पे ही जाएगा। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट जा रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, वो भी कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर है उसके ऊपर आप डिविडेंड देते हैं, प्रिफरेंस शेयर है उसके ऊपर डिविडेंड देते हैं, तो इक्विटी प्रिफरेंस किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का, तो उसका लड़का डिविडेंड ये भी कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। डिबेंचर जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो उसका इंटरेस्ट का भी पेमेंट कहाँ पे शो करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्लियर है। तो उतना रटने उठने का जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक कोर को समझ जाओ कि बाप यहाँ जा रहा तो बेटा भी बाप के साथ ही जाएगा, अलग थोड़ी ना किसी का हाथ पकड़ लेगा रास्ते, ठीक है। तो आते हैं सर, ये आप लोग को एक बार थ्योरेटिकल व्यू इसका एनालाइज कर लेते हैं। तो ये पीडीएफ आप लोग को ऑलरेडी लिंक में होगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, और ये ऐप से अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपके पास ऐप में ऑलरेडी है, स्टेप बाय स्टेप आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके पढ़िए, देखिए क्या है।
कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्लियर है? अपना इनफ्लोज प्लस आउटफ्लो माइनस, मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब सिर्फ गांधी जी नहीं है, कैश में कैश इन हैंड भी आता है और कैश एट बैंक भी आता है, डिमांड डिपोजिट विद बैंक। और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो माइनस हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है सर? सपोज आपका कैश है 5,000, एक बैंक है SBI, SBI बैंक में सपोज आपका 25,000 रुपया है, लेकिन एक बैंक है एक्सिस, एक्सिस बैंक में आपका ओवरड्राफ्ट है 10,000 रुपये का, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ? कैश कितना हो जाएगा? 5 + 25 = 30, और ये 10,000 माइनस होके आपका कैश 20,000 रुपये, ठीक है? तो कैश इक्विवेलेंट क्या है सर? कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट रीडली कन्वर्टेबल इंटू नोन अमाउंट ऑफ कैश विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस। मतलब ऐसा कैश इक्विवेलेंट जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म नेचर का होगा, जिसको आप लोग कैश में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो और जो रिस्क नहीं रहेगा किसी में, ठीक है? तो इन शॉर्ट में कैश इक्विवेलेंट का मतलब आप जान लो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या शॉर्ट टर्म की जगह अगर हम वर्ड बोले मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं सर? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। जो मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपका जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने लोग समझ गए। तीन तरह का पार्ट होता है सर अंदर, थ्री हेड्स में, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, वहां से अगर कुछ कैश आ रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स, परचेस सेल करके कुछ पैसा आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। फाइनेंसिंग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन करेंट लायबिलिटी, इससे अगर रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो है तो फाइनेंसिंग में जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है सोर्स ऑफ एक्टिविटीज, कहाँ से पैसा आ रहा है वो बताने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? यूज कहाँ पे कर रहे हैं, यूज बाय द एक्टिविटी कहाँ पे यूज कर रहे हैं। सोर्स एंड एप्लीकेशन फंड फ्लो में भी था, लेकिन सर कैश फ्लो इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, फंड फ्लो इज नॉट अ मैंडेटरी। फंड फ्लो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि जो बड़ी कंपनी बनाती है, छोटी मोटी कंपनी नहीं बनाती है, ठीक है? कैश फ्लो से ही पता चल जाता है सर इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ आ रही है, और नेट कैश कितना चेंज हो रहा नहीं हो रहा ये बताने के लिए, ये निकालने के लिए, मतलब पूरा कैश का डिटेल समझने के लिए एक ब्रॉडर व्यू के हिसाब से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हो गया, देखिए जो मैंने बताया। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका ओपनिंग में रहेगा 1 अप्रैल 2019, जितना आपने कैश इनफ्लो किया है या आउटफ्लो किया है, इनफ्लो रहा तो प्लस, आउटफ्लो रहा तो माइनस, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। मतलब अगर आपका बुक है, अगर आपका बुक में ओपनिंग दिया हुआ है सर, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, ठीक है? वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश 4,000 ओपनिंग में है और क्लोजिंग में 10,000 रुपया, बैंक वहां पे लिखा हुआ है ओपनिंग में 6,000 रुपया और यहाँ पे 15,000 रुपया, ठीक है? ये है। तो सर इसका मतलब ओपनिंग में आपका टोटल कितना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 है, और क्लोजिंग में आपका कितना हो गया 25,000 रुपया हो गया, क्लियर है? तो अगर आपका कैश इनफ्लो 15,000 आना चाहिए, अगर 15,000 आएगा तो दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इक्वल टू 25,000। अगर आपका आंसर मैच होता है, मतलब इसमें मैच करना भी, जैसा कि वहां फंड फ्लो में सोर्स एप्लीकेशन का दोनों मैच होता था ना, यहाँ मैच अलग है। यहाँ पर अगर आपका ओपनिंग प्लस कैश इनफ्लो अगर 15 आके ये क्लोजिंग जो मेरा 25,000 अगर आपका मैच हो जाता है, मतलब यू आर करेक्ट, आप सही हो और आपने सही बनाया है, क्लियर? तो इस तरह से अपने लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से मैच होता है, नहीं होता है, ये आपका आंसर आप लोग खुद से समझ जाना है, इसमें आंसर देखने की जरूरत नहीं। अगर मैच नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप गलत हो। अभी कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? कैश इनफ्लो निकालेंगे तीन एक्टिविटीज है, इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। देखिए इनफ्लो आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, ये जो आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दो मेथड है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट।
हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से इनडायरेक्ट मेथड्स, तो इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को जोड़ेंगे, फाइनेंसिंग को जोड़ेंगे, सॉरी, तो हमारा आएगा क्या, इनफ्लो या आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इसको अपने लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़ देंगे तो हमारा क्लोजिंग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ये निकालना है, फिर इसके साथ इसको जोड़ना है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालनी है, तो इसका रिजल्ट 4 नंबर में क्या आ जाएगा, ये कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इसके साथ ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देना है, आपका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर ये आ गया यू आर करेक्ट। मैं आपको फॉर्मेट नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको लेआउट समझा रहा हूँ। लेआउट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो गया? क्लासिफिकेशन वही सेम चीज है सर। ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है देखिए, ऑपरेटिंग में कैश इनफ्लो क्या है, मैंने जो बोला ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन फीस रॉयल्टी, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रिएटर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स, इन केस ऑफ फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग कंपनी क्या है सर, बैंकिंग कंपनी। अब जो बैंकिंग कंपनी है देखिए, इंटरेस्ट वगैरह जो है ये तो अपना ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, नॉर्मल बिजनेस का बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बैंकिंग कंसर्न है, जो मेरा बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी वगैरह कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, आईसीआईसी बैंक हो गया, आईसीआईसी कंपनी हो गया, नाबार्ड वगैरह हो गया, इनका जो सोल पर्पज, जो मेरा बेसिक वर्क होता है वो इंटरेस्ट से ही होता है। बैंक वाला इंटरेस्ट पे लोन देता है, उससे इंटरेस्ट उसका इनकम है, अपना खर्चा उनका इनकम है, और फिर वो आपका डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करता है, बीच में जो इनकम बचता है वो उनका प्रॉफिट, वो उनका इनकम, राइट। तो यहाँ पर बैंक वाले की सर मेन बिजनेस ही इंटरेस्ट का है, तो उन लोग को फाइनेंसिंग कंपनी बोलता है। तो यहाँ पे जितनी भी बैंकिंग कंपनी हो गई, जितनी भी बैंकिंग कंपनी हो गई, एनबीएफसी हो गई, ठीक है, ये सब फाइनेंसिंग कंपनी। तो इन लोगों के लिए अगर कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑपरेटिंग में जाएगा, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप पेमेंट करेंगे तो ऑपरेटिंग में जाएगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ये ऑपरेटिंग में जाएगा। तो सर आप लोगों का एग्जाम में जो रहेगा ना वो नॉर्मल बिजनेस का देगा, बैंकिंग कंपनी का नहीं देगा, जस्ट आप पढ़ सकता है कहीं पर कुछ काम आ सकता है। तो ये हमारा हो गया। इट कैन बी ऑल्टरनेटिव मैनर, दो मेथड बनाना है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड इट इज सो इजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सर, आप लोग कैश बजट वगैरह बनाए हैं कॉस्ट शीट में, वही कैश बजट है और कुछ नहीं। तो कैश सेल्स आ गया, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसेबल, डेटर बिल रिसेबल से पैसा आ गया, अदर कोई इनकम है ये पूरा रिसिप्ट को ऐड कर दीजिए, जितना पेमेंट वगैरह है सबको लेस कर दीजिए, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स कितना आपने पेमेंट किया वो लेस कर दीजिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह है तो ये अपने लोग लेस कर देंगे, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। बट एग्जाम में हम लोग को ये नहीं करना है, हम लोग डायरेक्ट क्या है सर, क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्या बोलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंपल सा बात है सर। अगर हम बोलेंगे कि हमको कहीं से 10 रुपये में से 4 रुपया मैंने कैश में खर्चा किया और 6 रुपया मैंने कैश में नहीं करके नॉन कैश में पेमेंट किया, मतलब मैंने एक सामान बाय किया 10 रुपया का, उसको मैंने एक दूसरा सामान दे दिया 6 रुपये का, और बाकी का 4 रुपये का मैं उसको कैश का पेमेंट किया, ठीक है, तो बताओ मेरा कैश का पेमेंट कितना होगा, 4 रुपया, तो मेरा पेमेंट में आउटफ्लो में कितना जाएगा, 4 रुपया, तो विच इज डायरेक्ट, ये मेरा डायरेक्ट है, आपने जितना पेमेंट किया उसको पकड़ के रिकॉर्ड किए। इनडायरेक्ट मेथड में कैसे निकलेगा भाई, इनडायरेक्ट मेथड में उल्टा, टोटल 10 रुपया था, उसमें से 6 रुपया आपने नॉन कैश में किया है, तो जो डिफरेंस बच गया वो मेरा कैश में चला गया, तो मेरा यहाँ सेम चीज निकल जाएगा इनडायरेक्ट में, 10 माइनस 6, ये मेरा 4 रुपया, ये मेरा डायरेक्ट में चला जाएगा, वही कैश निकाले, लेकिन अभी कौन सा मेथड से सर, ये इनडायरेक्ट मेथड से है। नेट ऑपरेटिंग, ये देखिए ये जो पूरा पीएल है, अगर मैं आपको यहां से लेके यहां तक का अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये पूरा पीएल अकाउंट है, जो आप लोग एडजस्टेड पीएल बनाए, रिमेंबर फंड फ्लो पे, जी हाँ, तो फंड फ्लो में जो आपने एडजस्टेड पीएल बनाया ना, ये वही एडजस्टेड पीएल है। तो दो तरीका है, या तो आप पूरा पीएल का काम यहां पे कर लो, या तो फिर पीएल बना के आप यहां से ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लो, क्या निकाल लो, ट्रेडिंग प्रॉफिट निकाल लो।
तो सर ये अपना पीएल का काम है, जैसे एडजस्टेड पीएल बनाते थे एज इट इज यहां पर भी आप वैसे बनाओगे, और वही जो आपका आदत है ना बाई साइड में ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोल के उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट या तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग बोलेंगे, सेम निकालेंगे लेकिन उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। या तो आप एडजस्टेड पीएल बना के डायरेक्टली निकाल लो, या तो फिर यहां काम करो। तो यहां काम क्या करना है सर, ये डिफरेंस है, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। जो डिफरेंस आप यहां पर बैठाते थे वहां नेट प्रॉफिट लिखते थे, यहां बैठाओगे और जितना पीएल का डेबिट बैलेंस है, जितना पीएल का डेबिट साइड में है सब यहां ऐड हो जाएगा, और जितना पीएल का जो आप क्रेडिट साइड में दिखा रहे थे पीएल का क्रेडिट साइड पे, ये सब यहां पे लेस हो जाएगा। बताओ इन शॉर्ट में तो इजी हो गया ना, फंड फ्लो अपने लोग ऑलरेडी कितना अच्छे से किए हैं, तो ये हो गया। तो या तो आप एडजस्टेड पीएल बना के डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, आपका छोटा हो जाएगा, या तो फिर आपको अगर पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है तो नेट प्रॉफिट से जो पीएल बनाते थे वो पीएल मत करिए, वो डायरेक्टली आप यहाँ पे काम करो और यहाँ जितना भी पीएल का डेबिट बैलेंस है सबको ऐड कर दो, पीएल का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लेस कर दो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया। क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाने के बाद जो चेंजेस इन आप करते थे ना वहां पर वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में, करंट एसेट्स सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो इंक्रीज डिक्रीज निकालते थे ना वहां पे अलग से स्टेटमेंट बना के, वो सेम चीज हम लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे लेकिन अलग स्टेटमेंट में नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता था सर, एसेट्स इंक्रीज होता था, एसेट्स घटता था, लायबिलिटी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। पहले यहां पर आपको मतलब बता दें, करंट एसेट्स में सब लेंगे एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। क्या बताइए, फिक्टिशियस एसेट जैसे फंड फ्लो में नहीं लेते थे ना यहां पर भी नहीं लेंगे, प्रीमरी एक्सपेंसेस है ना ये सब यहां पर भी नहीं लेंगे, उसका एडजस्टमेंट पीएल में जाता था पहले भी और अभी भी पीएल में जाएगा, यहां नहीं जाएगा। करंट लायबिलिटी में सब लेंगे, करंट लायबिलिटी में सब लेंगे लेकिन वही सेम चीज, क्या छोड़ के बताइए, प्रोपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स इसको छोड़कर, प्रोपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़कर बाकी सब ले लेंगे। क्लियर है? तो करंट लायबिलिटी में सब आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या नहीं आएगा सर, प्रोपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स पहले भी नहीं लेते थे अभी भी नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन पता हो गया, क्या लेना क्या लेना। अब ऐड किसको करेंगे, लेस किसको करेंगे, तो भाई साहब यहां एक चीज को पकड़ लीजिए आप, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये मेरा ऐड हो जाएगा, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये करंट एसेट्स क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। एक चीज को याद रखिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो जाएगा। अब इसी से बाकी सब रिलेट करिए, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां ऐड होगा, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऐड होता है राइट, तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट्स अपोजिट होता है ना, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऐड हुआ तो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लेस हो रहा है तो इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो एक तो ये था रटने वाला चीज, एक को रट लो बाकी सबको रिलेट कर दो, या तो फिर सिंपल सा दिमाग लगाओ, एसेट्स घट रहा है, एसेट्स घट रहा है तो मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल लेते हैं डेटर, डेटर ओपनिंग में था 2 लाख रुपया, क्लोजिंग में 1,20,000 हो गया, घट गया, कैसे घट गया, बैड डेट, बैड डेट हो भी सकता है लेकिन नॉर्मली इतना कैसे घटा, तो 2 लाख से 1,20,000 हो गया, इसका मतलब 80,000 रुपया आपको डेटर से पैसा आया या गया, बताइए। घटने से क्या होता है, अगर डेटर का अमाउंट घट रहा है मतलब आपको पैसा मिला है, आपका लिक्विडिटी बढ़ा है, तो 2 लाख से 1,20,000 हो गया मतलब घट गया, तो अगर एसेट्स घटेगा तो फ्लो होगा, इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसलिए यहां पर क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। क्लियर है? लायबिलिटी का उस तरह से पढ़ लीजिए, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, सपोज आपका लायबिलिटी था क्रेडिटर 1 लाख का, फिर वो हो गया 1,40,000 हो गया, 40,000 बढ़ गया सर, तो 40,000 अगर आपका बढ़ गया इसका मतलब आप क्रेडिटर से क्या कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, है ना, क्रेडिटर से आपने अपना इनफ्लो को बढ़ा रहे हैं, उससे क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट लेके आप उसको माल बेच होंगे, माल बेच के आपके पास फ्लो आया, आपके पास पैसा आया, तो उधारी अगर बढ़ेगा तो इनफ्लो होता है, उधारी अगर घटेगा तो मतलब पेमेंट होता है, उधारी अगर घट गया तो मतलब क्या है, उधारी कैसे घटता, उधारी घटता पेमेंट से, तो अगर करंट लायबिलिटी घट रहा है तो डिक्रीज में जाएगा,
और वो लेस हो जाएगा, मतलब आपने पेमेंट किया। अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो मतलब इंक्रीज हो जाएगा, वाइड हो जाएगा आपका फ्लो पे। तो ये जो आता है ना सर, इसको बोला जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बोला जाता है कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इससे टैक्स पेमेंट लेस कर देते हैं। टैक्स टैक्स कौन सा सर? प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। तो अपने लोग वहां दो करते थे राइट, प्रोविजन फॉर टैक्स को अप्लीकेशन में दिखाते थे जितना पेमेंट किए, और मतलब जो प्रीवियस ईयर वाला था उसको पेमेंट कर देते थे, और जो करेंट ईयर वाला था उसको पीएल में दिखाते थे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वैसे करेंट ईयर वाला ये मेरा पीएल का डेबिट में जाएगा, ये करेंट वाला है, ये करेंट ईयर वाला पीएल का डेबिट में दिखाइएगा आप। और ये जो टैक्स पेमेंट है ना, ये एक्चुअल में प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का दोनों ही आएगा ऑपरेटिंग में, लेकिन कैसे आएगा, करेंट ईयर का पीएल में जाएगा और प्रीवियस ईयर का यहाँ कैश जनरेटेड के बाद में टैक्स पेमेंट बोल के यहाँ से लेस हो जाएगा। तो ये लेस करके आ गया सर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है सर? तो इनडायरेक्ट मेथड ही समझना है सर, पूरा कैश फ्लो का जो जान है ना वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये समझ गए, ये बन गया, सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कैश फ्लो में आपको होने नहीं देंगे। क्लियर है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक बार, इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो क्या है सर? सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, मैंने आपको बताया ये भी इन्वेस्टमेंट में आएगा, बिकॉज ये किससे रिलेटेड है? फिक्स एसेट से। तो भाई साहब अगर पप्पा जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो उनका लड़का बच्चा वो भी कहाँ जाएगा? वो भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, सिंपल सवाल। फाइनेंसिंग में पकड़ लो, फाइनेंसिंग में क्या है सर? तो फाइनेंसिंग में ऐसा कि कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन, मतलब इशू ऑफ शेयर से पैसा आ रहा है, डिबेंचर से पैसा आ रहा है, लोन से आ रहा है, बॉन्ड से आ रहा है, ये सब फाइनेंसिंग में। अगर आप रीपेमेंट करें, रीपेमेंट का मतलब रिडेम्पशन, रिडेम्पशन, अगर आप रिडेम्पशन इक्विटी शेयर का, डिबेंचर का, तो फाइनेंसिंग में जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस अगर वो यहाँ आएगा, पेमेंट ऑफ इक्विटी एंड डिविडेंड, देखिए डिविडेंड यही है प्रपोज डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे जाएगी बताइए? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। डिबेंचर जाता है फाइनेंसिंग में, तो उसका लड़का इंटरेस्ट और डिबेंचर भी कहाँ जाएगा? चाचा का पास, वो भी कहाँ जाएगा बताइए? वो भी अब्बा के साथ ही जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा चार्ट है सर, ये आप समझ जाओ। इंटरप्राइज अगर फाइनेंसिंग में रहेगा और अदर इंटरप्राइज, तो अपना ये देखना है सर, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड ये इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में। क्लियर है? जो पेमेंट वाला है, पेमेंट वाला वो फाइनेंसिंग में, और जो रिसीप्ट है, जो आप रिसीव करोगे वो जाएगा इन्वेस्टमेंट में। अलग से मैंने सब यहाँ पे लिख दिया है सर आपके लिए, तो आई गेस कोई दिक्कत। फंड फ्लो कैश फ्लो का डिफरेंस है सर, लीजिएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कंप्लीट क्या फॉर्मेट है, कमिंग टू दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको समझना है सर। ठीक है, तो एज पर A3 के हिसाब से ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट को आपको रट लेना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको बताया ये जो पूरा पार्ट है ना, ये हम लोग यहाँ नहीं करके, ये हम लोग एडजस्टेड पीएल बना के करेंगे। एडजस्टेड पीएल बनाएंगे, जैसे अपने लोग फंड फ्लो में सीखे थे, वो बना के डायरेक्टली अपने लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये निकाल लेंगे डायरेक्टली पीएल से। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज इंक्रीज करना, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज डिक्रीज वगैरह है। डिक्रीज इन करंट ऐसे सिर्फ याद रखना है, ऐड होता है, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, पेमेंट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, लेस हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो गया। तो क्या बोलते हैं सर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इनकम टैक्स पेमेंट लेस कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह रहता नहीं है आप लोग के सामने, कुछ नहीं रहेगा, तो ये ऑपरेटिंग निकल गया। ठीक है, ये मेरा हो गया। इन्वेस्टिंग में भी वही, इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट को डिविडेंड है ना, पेटेंट कॉपीराइट को आप अगर बेच रहे हो तो वो भी इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट से डिविडेंड रिसीव कर रहे हो यहाँ आ गया, रेंटल इनकम आप कमा रहे हो, रेंट, रेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्ट किया उससे आप रेंट कमा रहे हो, ये भी आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट लेस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस, कोई इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल वगैरह अगर आप परचेज किए, ये परचेज यहाँ राइट ऑफ नहीं है, गुडविल का राइट ऑफ पीएल में आता है, राइट ऑफ नहीं है ये राइट ऑफ नहीं है, गुडविल का जो राइट ऑफ है वो पीएल में आता है। परचेज ऑफ गुडविल, पेमेंट इन कैश,
अगर आप गुडविल खरीद रहे हो पैसा देके, वो यहाँ पर आएगा। तो ये लेस करके ऐड करके या तो मेरा इनफ्लो आउटफ्लो निकल गया, ये मेरा नंबर बी। उस तरह से फाइनेंसिंग निकालेंगे। फाइनेंसिंग में क्या था, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस शेयर्स एंड डिबेंचर अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनल डिविडेंड पेड लेस होगा, इंटरिम डिविडेंड पेड लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेस होगा, रिपेमेंट ऑफ लोन लेस होगा, रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर वगैरह प्रेफरेंशियल लेस हो जाएगा। ये तीनों को ऐड करके फाइनेंसिंग, ये तीनों को ऐड करके अगर आप जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा इंक्रीज डिक्रीज। ये तीनों को जोड़ के ये आ गया मेरा कैश इनफ्लो, नेट इंक्रीज है डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वल, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ये आ गया। इसके साथ ओपनिंग जो रहेगी, ओपनिंग कैश एंड कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपोजिट, मार्केटेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट लेस, ये यहां से आ गया आपका कैश इक्विवेल है ओपनिंग का, ये इसको जोड़ देंगे, ये आपका क्लोजिंग का आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर टैली हो गया, अगर ये आंसर मैच हो गया, ये यहीं तक है, अगर ये आंसर मैच हो गया आपका बुक से जितना क्लोजिंग है तो आपने सही बनाया। क्लियर है? आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू कैश स्टेटमेंट पूरा बिगनिंग से लेके पूरा फार्मूला मेथड तक का पूरा क्लियर हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सम। अब डायरेक्टली यहाँ से सर सम बनाना चालू, प्रैक्टिकल नॉलेज चालू, उसके बाद फिर आप होमवर्क करना है, होमवर्क देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।